एसएससी कांस्टेबल जीडी के अभी मेडिकल चल रहे हैं, देखिए किस तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये हमारे साथ में है लोकेश, इनका पॉइंट है 2 पॉइंट में इनको अनफिट किया है, यानी कि रीमेडिकल दिया है। अब इनको 4 तारीख का इनका रीमेडिकल है, यानी कि इनको समय दिया है, आप सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, इनको 30 का इनका मेडिकल था। लोकेश आपका रनिंग मतलब कि कितने देर में हो गया था? 20 मिनट 6 सेकंड। देखिए 20 मिनट 6 सेकंड में लोकेश का रनिंग हो गया था। कितना स्कोर आपका बनता है, कैटेगरी क्या है आपकी? मेरी कैटेगरी SC और मेरे स्कोर 140। 140 यानी मेरिट कंफर्म है यदि हम देखें तो? हाँ सर कंफर्म है, राजस्थान जनरल डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर। तो लोकेश आपको जैसे रनिंग वगैरह, एक तो ये बताओ कि आप रोड पे रनिंग करते थे? हाँ सर मैं रोड पे रनिंग करता था। रोड पे रनिंग करते? हाँ। तो आपको नहीं जानकारी थी इस तरह की, या किसी तरह का चेकअप वगैरह कराने की भी कोई जानकारी नहीं थी आपको? नहीं सर पहले नहीं थी। और ना ही आपको ये था कि मैं रोड पे रनिंग करूंगा तो मेरा ये परेशानी हो जाएगी? हाँ सर। आपको ये तो पता था कि मेरी वेन्स तो दिखती हैं? हाँ सर ये दिखती थी पहले। ये दिखती हैं वेन तो? हाँ सर पहले से ही दिख रही थी। हाँ सर ये यहाँ देखिए, दोनों पैरों में आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट बना दिया। तो इस पर ये बताओ मुझे कि जब मेडिकल अफसर ने चेक किया था आपको, पंजे पे खड़ा किया था? हाँ सर खड़े हो, पंजे पे खड़े हो। पहले जंप करवाया था आपको? हाँ सर जंप कराया। चलो जंप करो जरा एक बार। अब ये देखिए चेक करने का प्रोसीजर जो डिटेल मेडिकल में चेक होता है कि पहले इनको कम से कम 40 बार जंप करवाया, 40 बार जंप करवाया, ठीक है रुक जाओ अभी पंजे पे खड़े हो जाओ। उसके बाद उन्होंने मारा है इस तरीके से? हाँ सर। कितना मारा? मतलब थोड़ा ही मारा? एक दो बार मारा था। एक दो बार मारा इस तरीके से मार के देखा? आपको कुछ पूछा नहीं इसके बारे में? नहीं नहीं सर कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद तुरंत ही पॉइंट लिख लिया। तो लोकेश ये बताओ यार कि आपके स्कोर तो बहुत अच्छा है, आपको पहले से कोई इस तरह की जानकारी नहीं थी कि चेकअप करवाना चाहिए? नहीं सर ये पहले सीधी दिखती थी, मैंने सोचा ही नहीं कि आपको सीधी नसें दिखती थी तो ये सोचा कि ये तो नॉर्मल वेन। हाँ सर नॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए सर्टिफिकेट में हम देखते हैं कि जो पॉइंट है वेरिकोज वेन्स BL और दूसरा इनका फंगल इन्फेक्शन है। फंगल कहाँ हुआ आपको? गंदा जुराब पहनने की वजह से हो गया था? नहीं सर वो जूते पहनने से, टाइट थोड़े टाइट जूते पहनने से नाखून पे हो गया। हालांकि वेन्स इनका बिल्कुल सीधा है लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अब ये 3 वेन जो है यहाँ पर ये परेशानी कर गए। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लोकेश वेरिकोज वेन्स और फंगल इन्फेक्शन दोनों ही पॉइंट क्या है वो आपके हाथ में। फंगल इन्फेक्शन इनका जूता टाइट था तो नजरअंदाज नहीं करना। अभी जिन लोगों का समय बचा हुआ है वो एक बार चेकअप करवाएं जाए।